वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीवीटी प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको तीन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देने वाला हूं, जो कि AKTU UPTU के काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आपको इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपका लो मार्क्स है। तो ये वीडियो जिनका लो मार्क्स है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, जिनका मार्क्स कम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। HNBU से रिलेटेड एक अपडेट है, MSc का एक कोर्स है, AG के रिलेटेड यहाँ पे ICR से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन PG का, उसका भी अपडेट आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट तीन यूनिवर्सिटी का देने वाला हूँ और अगर आपका कम मार्क्स है तो आप इन तीनों यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ तो BTEC, MCA, MBA, MA, MSc और BEd और LLB जैसे कोर्सेज़ के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे जो जिनका कम मार्क्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 100 से 200 मार्क्स के बीच जिनका नंबर है उससे भी कम है, 70-80 भी है, तो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप MBA, MCA और BTEC में एडमिशन ले सकते हैं MA, MSc में। तो चलिए एक एक करके मैं अपडेट देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको AKTU UPTU के काउंसलिंग का अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग के वेबसाइट पे और यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। BTEC के कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जिसके कुछ कोर्सेज में CVT के जरिए भी एडमिशन होंगे और कुछ कोर्सेज में JEE मेंस के स्कोर पे एडमिशन होंगे, जिसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया जा चुका है। और जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जा चुका है, रिलीज किया जा चुका है, जिसे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मेरा नेट बंद है, कारण ये है कि काफ़ी लोग मुझे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कॉल करने लगते हैं और व्हाट्सएप पे भी कॉल करते हैं, परेशान करने लगते हैं, इस वजह से फ़्लाइट मोड में आप देख सकते हैं कि मैं फ़्लाइट मोड में वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस कारण से मुझे इस फ़्लाइट मोड में रखना पड़ता है और इस वजह से यहाँ पे मैं आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जो UG के रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, जैसे फार्मेसी के कुछ कोर्सेज़ हैं, बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन के कोर्सेज़ हैं, उनका भी काउंसलिंग नहीं हो रहा है। साथ ही साथ MBA और MCA का भी कोई काउंसलिंग का अपडेट नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं नो पोस्ट डिस्प्ले। तो जैसे ही इनके बारे में कुछ अपडेट आता है मैं आपको दे दूंगा। जो भी कम मार्क्स है इस यूनिवर्सिटी को टारगेट पे रखें, काफ़ी सारे यहाँ पे सीट है, 100+ मार्क्स वाले का यहाँ पर एडमिशन गारंटेड होगा। अब अगला जो अपडेट है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो रिलीज किया जा चुका है, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट आपका होने वाला है वो 26 तारीख से स्टार्ट होगा, 26/7/2023 से, और आप 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये है पूरा डेट यहाँ का, 5 अगस्त तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो सामान्य कोर्सेज के लिए PG और PG डिप्लोमा जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए 500 लगने वाला है, और सेल्फ फाइनेंस मोड में काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं MBA के, उसमें आपका 1000 फीस लगने वाला है। तो जिनका कम मार्क्स है, 100 से कम मार्क्स है, 70-80 भी मार्क्स है, तो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करें। MA, MSc, BTEC, यहाँ पे MBA, MCA जैसे प्रमुख कोर्सेज में, MA के काफ़ी सारे कोर्सेज में, MSc के काफ़ी सारे कोर्सेज में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं HNBU का जो अपडेट है MSc AG से रिलेटेड, उसको अभी देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ये अपडेट है MSc AG से रिलेटेड। कोर्स का नाम आप लोग देख सकते हैं, प्लांट से रिलेटेड कोर्स है। इसे MSc AG के बारे में कुछ लिखा गया है ये कोर्स के बारे में कि या जब तक ICR से इनका मान्यता नहीं मिल जाता है, एक्रेडिटेशन नहीं मिल जाता, तब तक इस कोर्स को इसी नाम से जाना जाए। इसके बारे में छोटा सा अपडेट HNBU की तरफ से जारी किया गया है। जो भी स्टूडेंट है जो MSc AG के इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी वेट करेंगे ICR के अप्रूवल का। यहाँ पर BSc AG का भी जो कोर्स है वो अप्रूव्ड नहीं है ICR से, तो जो भी लोग एडमिशन लेते हैं यहाँ पे सावधान हो जाए। जितने भी यहाँ पे AG के कोर्सेज हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के कोर्स हैं या उससे रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो ICR से जो है एक्रेडिएट अभी नहीं हुए हैं। जब तक एक्रेडिएट नहीं होते हैं आप लोग इस यूनिवर्सिटी को टारगेट में ना रखें, यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आता है मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का आपका डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए
और आपको विशेष दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरा नंबर देख सकते हैं। नंबर देखने के बाद आप मुझे ज़्यादा ज़रूरी होने पर, ज़्यादा आवश्यक होने पर ही कॉल करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।